गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए व्लॉग में। एंड गाइस आज काफ़ी तेज़ वाली हवा चल रही है तो मेरे को आज व्लॉग बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत ये हो सकती है गाइस कि मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आने वाली है हवा की, तो ऐसा लग रहा है। और मैंने सोचा चलो क्यों ना यार व्लॉग भी बना दूँ, आज काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने आपको बताया था कि मैंने इंडियन आर्मी भर्ती का फॉर्म फाइनली भर दिया था और मैंने कहा था आप करूँगा मैं रिटर्न की तैयारी। तो अभी बज रहे हैं फ़िलहाल गाइस 2:40, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और हवा इतनी तेज़ वाली चल रही है ना गाइस, आज इतनी तेज़ वाली हवाएं चल रही है ना आसमान में, क्या ही बताऊँ। तो गाइस टंकी यहाँ पे पूरी भर गई हमारी और पानी नीचे वेस्ट हो रहा है, बंद कर दे मोटर। फिलहाल अभी का व्यू देखो आप गाइस, और आज इतनी तेज़ वाली हवाएं चल रही है ना आप लोगों को, बस मैं क्या ही बताऊं। अभी तो फिलहाल कम हो चुकी है थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत तगड़ी चल रही थी। अरे देखो आयुष भी आ गया, मोटर बंद करवा दी, पाइप निकाल दे और पाइप लपेट के सवार लपेट के वहाँ पर रख दे, तो वहाँ पर नल पर ना वहाँ पर टांग दे, ये छोटी सी पाइप है ना जैसे उठा सबास। बाय द वे गाइस आपका मैं व्यू दिखा रहा था तो पहाड़ देखो क्या मस्त दिखाई दे रहे हैं, अभी आप देख सकते हो सामने कितने मस्त लग रहे हैं। और ये देखो गाइस हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि सारे के सारे कपड़े देख सकते हो आप गिर रखे हैं, कैसे कपड़े लटक रहे हैं आप देख सकते हो अभी। और तो क्या कर रहे हो पानी में, गीला क्यों हो रहा है? हाँ आयुषी टांग पाइप को टांग दे यहाँ पे, ये सारा ये उठाई पाइप सारी जो भी खेल रखी है, ये छोटी वाली पाइप है टुकड़े उठा रखो तुम्हारा। और ये आपको नए ज़माने की कुर्सी एक मैंने काफ़ी व्लॉग्स में दिखा रखा है। तो गाइस जैसे मैं वीडियो ऑन कर रहा वैसे हवाएं चलने लग जा रही, तो मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि फिर मुझे पता है कि बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगी हवा की। ठीक गाइस ये वाली बॉल आपने देखा होगा एक व्लॉग में जिसमें हमने बॉल से खेला था इसने मैंने ना, एंड आप लोग को मेरी आंखें थोड़ी भन भन सी लग रही है भाई, तो ये सूरज जो एकदम आँखों पर चमक रहा है तो तब जाके ऐसा लग रहा है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना भाई कि तुम्हारा भाई बिल्कुल सो उठ के आ रहा है फिर सो कर वीडियो बना रहा, सोते सोते वीडियो बना रहा है, कुछ मत सोचना। तो गाइस खड़े खड़े ना मैं एकदम थक जाता थोड़ा, और खड़ा हो रहा हूँ तो मैं थोड़ा ऊंचा हो जा रहा हूँ जिससे हवा जो गाइस ऊपर ऊपर चल रही है ना तो नॉइज़ आ रहे फ़ोन में, तो मैं थोड़ा नीचे बैठ गया। अब नीचे इतनी जो हवा नहीं चल रही है तब आपको हवा की जो गाइस बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह नहीं आएगी। तो आप लोग मैं बताता हूँ ये कब क्या है। तो गाइस पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इंडियन आर्मी का जो फॉर्म में अप्लाई किया था इंडियन आर्मी जो है गाइस ज्वाइन करने के लिए, तो जो कुछ मैंने आपको उस व्लॉग में जो मैंने बताया था, तो उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि मैं अब भाई जो रिटर्न की तैयारी करूँगा, तो अभी सब वही चल रही है। और भाई तुम्हारा भाई ना जो गाइस मैं ना गूगल से जो गाइस जीके के क्वेश्चन वगैरह मतलब जो जीडी आर्मी के हैं वो सब लेकर मैंने इसमें लिख दिए हैं जो कि पूरे 100 क्वेश्चन हैं जीके के, तो इन्हें मैं फिलहाल याद करता हूं। एंड तुम्हारे भाई ने काफ़ी ज़्यादा लिख रखे हैं तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा ये सब। और मैंने गाइस फिलहाल इनको याद कर रहा हूँ बैठ के मस्त, तो मैंने सोचा यार क्यों ना व्लॉग बना दे आप लोग को दिखा दूँ कि भाई। बाकी गाइस आप लोग को मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे को जो बोल रहे थे कि भाई जब तुमने सब कुछ कर ही लिया तो कोचिंग वगैरह जा ले इधर उधर कहीं पता कर ले कोचिंग वगैरह का पढ़ ले वगैरह, तो अब गाइस ज़्यादा दिन तो रहने के एक महीना भी रह नहीं चुका है रिटर्न के लिए, कम से कम 20-22 दिन रह गए, तो मैंने सोचा क्यों घर वालों के पैसे वेस्ट करने हैं तो अपना घर में खुद पढ़ता हूँ। अभी फिलहाल मेरे को गाइस अग्निवीर जीडी की जो गाइस बुक है ना, हाँ तो बुक खरीद के लानी है, बुक तो लाऊंगा ही मैं, वो मैं पढ़ूंगा, तो फिलहाल मेरे पैसे नहीं है, कुछ दिनों बाद मैं बुक भी लाऊंगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो गाइस मेरे बैक के कैमरे में एक दिक्कत है कि बैक का कैमरा सेल्फी वाले कैमरे के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही जो है गाइस बेकार आता है, तो मेरा सेल्फी वाला कैमरा सही है बाकी बैक का बेकार है, तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। और आपको दिखाता हूं मैं इधर तक, तो ये नेक्स्ट पेज है, फिर ये नेक्स्ट पेज है, बाकी यहाँ पे मैंने धागे के ऊपर बांध रखा है। तो यहाँ पे जो गए 100 वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म, और अभी फिलहाल अग्निवीर जीडी की जो मेरे को बुक लेनी है भाई, एंड फिर उसके बाद पूरी पढ़ाई तैयार, एंड रिटर्न तो गए तुम्हारा भाई निकाल के रहेगा गए, तो आप लोग को पता चली जाएगा ब्लॉग में अगर मैं रिटर्न निकाल लूँगा, तो वो मैं आप लोग को 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाई रिटर्न तो भाई मैं निकाल ही दूंगा कैसे भी करके। तो गए अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा जिस दिन मेरा स्कूल का रिजल्ट आएगा, एंड जिस दिन गए मैं अग्निवीर जीडी की बुक लेके आऊँगा अपने पढ़ने के लिए, तो उस दिन ही आपको मिलेगा, और हाँ तो उस दिन आपका ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। इस ब्लॉग में मैं यही अपडेट देना चाहता आप लोगों को कि भाई तैयारी चल रही है, तुम्हारा भाई कोई आईआईसी वगैरह नहीं करे, तो एडमिट कार्ड अभी आएगा तुम्हारे भाई का, तो उस दिन भी ब्लॉग में सब आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो मतलब मेन प्रोसेस जो होता रहेगा सब आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। बाय द वे मेरे ब्लॉग चाहे लेट ही क्यों ना आए बट मेन जो प्रोसेस होंगे गए सब आपको ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा, और अभी तो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। जिन जिन लोगों की जगह गए भर्ती है ना, तो भाई प्लीज़ यार आप लोग भी करो तैयारी, रिटर्न की फुल तैयारी करो, फुल पढ़ो गए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। बाय द वे मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैंने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। मुँह से तो बोल दे कुछ, अभी भी सो रहा है आए, तो आज काम कितने दिनों बाद आया तो छत में आज, नहीं तो गाइस घर में अंदर ही सोता रहता है 10 दिन बहुत हो ही न जाने कितने महीने बाद आ रहा है। तो गाइस रोहित का पर्सनल फ़ोन दे खुद का। तो
तो गाइस आज काफ़ी टाइम बाद रोहित ब्लॉग में आया। रियल लाइफ में भी कुछ नहीं बोलता है। काटे उसमें। वाओ भाई क्या खेल रखा है, कांटे ना। तो गाइस फूल देखो कितना मस्त लग रहा है, पौधे आ रहे हैं यहाँ पे, अभी इस पर कांटे भी है। बाय तो कर दे, बाय और हाई सेम रहता है गाइस। हाई में वैसे हाथ लाता बंदा और बाय में वैसी क्या अंदर गए। आप लोगों को पता है घर के अंदर मेरे फ़ोन का कैमरा साफ नहीं आता है, नहीं तो रोहित काफ़ी टाइम बाद बाहर आया तो मैंने आपको व्लॉग में दिखा दिया उसका हाल चाल क्या चल रहा है अभी फिलहाल, क्या कर रहा है वो। तो वो कुछ नहीं करता रहता ना, फ़ोन का सारा डाटा वेस्ट करता रहता है ऐसे दूसरों की वीडियो देखने में। उसे मैं बोलता हूँ कि भाई यूट्यूब में कुछ वीडियो वगैरह बना लेगा, तो वो कुछ नहीं करता है, लेटा रहता है। ये सब उसके हाल चाल चल रहे भी कोई नहीं, लाइफ में आगे पता चलेगा। बाय द वे तुम्हारा भाई अभी से मेहनत कर रहा है, टेंट की तैयारी वगैरह कर रहा है और हाँ पढ़ रहा है खूब, तो तब ऊपर वाले आएगा इसकी क्या करें। बाकी मेहनत अपनी जारी है पूरी की पूरी, तो और आप लोग का यूट्यूब पर सपोर्ट बनाए रखो। बाकी अपनों जो गाइस मेहनत करता है और मेहनत करता रहेगा, तो जो लोग भी भाई भर्ती की तैयारी करें तो ऑल द बेस्ट, एंड रिटर्न की तैयारी करो, पढ़ो यार खूब पढ़ो, मैं पढ़ ही रहा हूँ फिलहाल। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।